हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज बायोपायरेसी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बायोपायरेसी क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बायोलॉजिकल एथिकल इश्यूज, बायोलॉजिकल एथिकल इश्यूज। तो एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू बायोलॉजी कैसे हो सकते हैं कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन होना, ओवर यूज होना, एक्सेट्रा। तो जब भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन या फिर अनऑथराइज्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी क्या है ये? बायो पायरेसी यानी कि अनऑथराइज्ड यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। और ये एक्सप्लॉयटेशन यूजुअली कौन करता है? ये एक्सप्लॉयटेशन कॉज होती है बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, बाय मल्टी नेशनल कंपनीज। अब बायो पायरेसी होती कैसे इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज एक बायोलॉजिकल रिसोर्स को डेवलप किया था या फिर डिस्कवर किया था किसने? एक रीजन के इंडिजीनियस पीपल ने। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बायोलॉजिकल रिसोर्स डेवलप्ड या फिर डिस्कवर्ड बाय इंडिजीनियस पीपल। अब इस रिसोर्स को डिस्कवर या डेवलप किसने किया था? इंडिजीनियस पीपल ने। लेकिन इस रिसोर्स पर पेटेंट कौन ले लेता है? कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट द रिसोर्स इज पेटेंटेड बाय मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये पेटेंट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है तो ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कंसेंट नहीं ले रही है इंडिजीनियस पीपल का या फिर उन्हें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? बायो पायरेसी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेती है? पेटेंट कर लेती है विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड विदाउट गिविंग एनी कॉम्पेंसेटरी पेमेंट। इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बायो पायरेसी। बायो पायरेसी को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इट इज एक्सप्लॉयटेशन एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज
विदाउट द कंसेंट ऑफ सोर्स कंट्री, और विदाउट पेइंग एनी कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, एनी कॉम्पेंसेटरी पेमेंट टू सोर्स कंट्री। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज बायोपायरेसी, तो हमने समझा कि बायोपायरेसी क्या होता है। बायोपायरेसी यानी कि एक्सप्लॉयटेशन एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और ये कौन करता है, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसमें कि वो कंसेंट या फिर कोई कॉम्पेंसेटरी पेमेंट नहीं देते टू द सोर्स कंट्री या फिर वो लोगों को जिन्होंने उस सोर्स को एक्चुअल में डेवलप किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।